दोस्तों से। हम सभी लोग श्री राम मानस का आयोजन करते हैं और माता की चौकी का आयोजन करते हैं। तो हम सभी मित्रों ने बैठ करके फैसला किया इसको और विस्तार रूप देना है। उसके बाद में उसने हम लोग डिसाइड करके आगे बढ़े कब हमको रामचरित मानस ना करते हुए हमको राम कथा की ओर पढ़ना चाहिए। तो हम सारे लोगों ने मिलकर के फैसला करके आगे बढ़े। पिछला साल से जैसा कि आप पिछले साल भी आप देख रहे होंगे हमने रामकथा का यहाँ पर आयोजन किया। पिछला साल रामकथा फरवरी महीने में था जिसके कथावाचक थे यशोधर नंदन महाराज। अब इसके बाद हम रामकथा के दूसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी कथावाचक साथी रंजना जी के माध्यम से हम सभी लोग इस महीने की 23 तारीख से 23 तारीख को सुबह हमारी 9 बजे कलश यात्रा थी। इसके बाद शाम को 5 बजे से 10 बजे तक रामकथा चल रही है। आज हम 23 तारीख से आज हम 9वें दिन में रामकथा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब शाम को 5 से हमारा 10 बजे का रामकथा रहेगी। आज हमारा रामकथा का समापन होगा। कल इसके बाद हम 11 बजे से दोपहर 1 बजे हवन कार्यक्रम करेंगे सामूहिक हवनों का। इसके बाद शाम को 7 बजे 11 बजे तक वहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। और हम इसलिए करते हैं कि विश्व में एक शांति का संदेश है। भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र है मनुष्य को दर्शाता है मनुष्य की जिंदगी में किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान राम का चरित्र वही दर्शाता है। हम वही प्रेरणा लोग होते हैं। देश अपना स्वच्छ होना चाहिए निरोग होना चाहिए। हम कल नए साल में प्रवेश करेंगे। हम इन रामकथा के माध्यम से और अपने इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला साल सारे देशवासियों के लिए सुखमय हो अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ उनका विराम दूंगा। जय श्री राम। हर वर्षों जिस तरह से लोग जग जागरण मंच के माध्यम से श्री बहादुर यादव जी माता की चौकी रामायण पाठ कराते थे तो 2 वर्षों से रामकथा के आया है और यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। जो कलश यात्रा थी उसमें कम से कम 700 महिलाएं थी कलश लेकर और नियर अबाउट 500 से 700 के आसपास पुरुष भी थे। यह यात्रा सभी के लिए संदेश देने के लिए थी कि यह कार्यक्रम कहाँ और कैसे मनाया जा रहा है। इसके बाद रोज शाम को अपेक्षा हमारे भारतवर्ष में हमारा धर्म अगर जागृत है तो महिलाओं की वजह से महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिली है। महिला शक्ति ज़्यादा जागृत रही है इसमें और कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक बहुत ही नियम पूर्वक से यहाँ कार्यक्रम इनका संपन्न हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि लोग जनशक्ति जागरण मंच के सभी लोगों को ईश्वर इस तरह का श्रद्धा और शक्ति दें स्वस्थ रखें ताकि हर साल इस तरह का कार्यक्रम हुआ करे और हमारे धर्म के कार्यों में लोगों को जागृत किया जाए। प्रथम श्री बहादुर यादव का धर्म है। इसके बाद यादव नगर सेवा का वो है पवन पटेल का है। आज सभी उनका रोल है जिसमें कि विद्या सिंह वगैरह पांडे जी वगैरह सभी उनका स्नेह है प्रेम है सब मिल कंधा से कंधा मिला के समारोह को संपन्न कर रहे हैं। सबसे मेरा कर्मवर प्रार्थना इसी तरीके से सभी अपना प्रेम और स्नेह लगाकर इतना साल के कार्य संपन्न करें ये मेरी हार्दिक इच्छा है। ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। ये मेरा कामना जय श्री राम। तथा हमारी जो पहले हो रही थी पहले छोटे पैमाने पे एक माता की चौकी की जा रही थी अब धीरे धीरे जैसे हमारे साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं हमको और ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पर देखने के लिए 100, 200, 500 लोगों की भीड़ आया करती थी। आज हम उसको उस लेवल पे गए हैं कि वहाँ पर 5000 औरतें और पुरुषें आ रहे हैं देखने के लिए जो है और सुनने के लिए। वो राम के जो भी है उनमें जो है एकदम लीन हो के सब एकदम भजन कीर्तन में लग जाते हैं और इतना सब करने के बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे यहाँ के जो गरीबी लेवल पे जो लोग रह रहे हैं जो हॉस्पिटल या कहीं जाकर जो दवा नहीं करा पा रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप रखा जिसमें जो है हमारे सबसे
अच्छे जो है मतलब सीएम हॉस्पिटल के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, उन्हीं लोग जो है सब चीज़ यहाँ फ्री में जो गरीब लोग हैं उनको दवा ईसीजी ब्लड सब ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है इसी तरह जहाँ भी ज़रूरत पड़े, हम बहुत से हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, हर हॉस्पिटल को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो उनके यहाँ नहीं जा सकते हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, वो जा कम से कम लोगों के भीतर आके लोगों का जो है मनोबल बढ़ावें और उनको जो है दवा वगैरह प्रदान करें। राम कथा के साथ साथ में जो मेडिकल कैंप का कार्यक्रम चल रहा है, ये हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम मेडिकल कैंप का चलते रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स शिवम हॉस्पिटल डॉक्टर पटारिया जी शिवराज पटारिया जी नीता मैडम ने काफ़ी गरीबों को हेल्प किया है, उसमें राहुल दुबे जी हैं और शिवम हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, मैं हृदय से उनका बहुत आभार मानता हूँ कि कोई भी गरीब व्यक्ति गया वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, पैसा न रहने पर उनको तुरंत एडमिट करते हैं, ट्रीटमेंट चालू करते हैं और उनका समय से इलाज होता है। सरकार ने तो खुद ही ये जो योजना ले आई है, ये इसीलिए योजना लाई गई कि ताकि उनको जो है वो पूरी सुविधा मिल सके और आगे का इलाज जो है उनका बड़ी आसानी से और अच्छे से हो सकेगा, एक काफ़ी अच्छा इलाज होगा।